नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के गणेशपुरा बाईपास पर निजी सड़क निर्माणकर्ता एजेंसी के कर्मचारी के रूप में तैनात रविंद्र सिंह को एक महीने बाद भी न्याय नहीं मिल सका है। तेजी व लापरवाही से स्कूल बस चलाकर उसे ड्राइवर ने रविंद्र सिंह के पैर को कुचल दिया, जिसके कारण उसके दाहिने पैर को काटना पड़ा है। मुरार पुलिस ने इस मामले में टेम्परेरी परमिट धारा बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन 12 अप्रैल से अब तक चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही बस को जब्त किया गया है। चार बच्चे और अपने बूढ़े माता पिता का इकलौता सहारा रविंद्र सिंह खुद अब बेसहारा हो गया है। उसने मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में अपनी पीड़ा से पुलिस अफसरों को अवगत कराया। पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति रविंद्र सिंह को आश्वस्त किया है कि जल्द ही बस को जब्त किया जाएगा और उसके चालक की गिरफ्तारी होगी। खास बात यह है कि निजी फर्म के ठेकेदारों ने भी इस मजदूर की तरफ से मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में पूरे परिवार का भरण पोषण रविंद्र के लिए बड़ी समस्या बन गया है। घटना के नाम रविंद्र भाई, क्या शिकायत लेके आए थे आज आप? शिकायत क्या साहब जी, ये एक्सीडेंट हो गया क्या? पैर कट गया, काम करते थे, डामर का काम चल रहा था, हाईवे पे काम कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया। अब क्या बच्चों को खिलाएंगे, क्या खाएंगे हम? कैसे हुआ था एक्सीडेंट? झंडी बता रहे थे साहब जी, झंडी बता रहे थे डिवाइडर में खड़े होके। हाँ, एक्सीडेंट हुआ साहब जी, मुझे को होश नहीं कि बस ठीक क्या था, रोड पर काम कर रहा, डाम चल रहा, डामर चल रहा था। तो गोबर कार में डामर के यहाँ घटना गणेशपुरा में। कौन सी गाड़ी से हुआ था? गाड़ी का ध्यान नहीं, हमें को होश नहीं था, अकेले थी सर। क्या नाम है आपका? नाम रविंद्र है सर। कौन है आपकी? ये हमारे भैया है। क्या शिकायत लेके आए थे? जो एक महीना हो गया एक्सीडेंट हुए, अभी तक ना तो बक्स जब्त हुई है, हैं ना, कुछ पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, इसलिए जन सुनवाई में आए थे। एक्सीडेंट हुआ था, क्या कर रहे थे? जी हम काम करने जाते हैं रोड का, तो रोड पे काम कर रहे थे जी। काम करते हुए तो जुर्जा से रोड पे से इस साइड से ट्रैफिक दूसरी साइड पर निकालते हैं ना, एक रोड बंद करके दूसरी साइड पर निकालते हैं, तो वो झंडी दिखा रहा था। इतने में अचानक वो कोई वाहन आया, तो हम तो थे नहीं सुना, लेबर वाले कह रहे बस से एक्सीडेंट हुआ है। अब पता नहीं उस ना तो कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाई ना, तो हॉस्पिटल में गए तो पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। ये गणेशपुरा है बाईपास पे, थाना मुरार। क्या नाम है इनका जो घायल हुआ? रविंद्र। ठेकेदारों की तरफ से दो तीन बार तो आए थे, एक दो बार, अब तो ठेकेदार की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कुछ नहीं हुआ अभी, क्या आश्वासन? अब वही सब आश्वासन दे रहे हैं कि होगा होगा होगा,